हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सो सूरत में तो बहुत ही बारिश हो रही है, और ऐसे बारिश में ना तो सच्ची में गर्म गर्म चाय और भजिए चाहिए ही चाहिए, सबको ही चाहिए होता है। मज़ा आ जाता है गर्म गर्म चाय, और लेजी लेजी मूड हो जाता है। तो चलो हम आज बनाते हैं गर्म गर्म भजिए, और मेरे घर में तो तीन तीन भजिए बनते हैं, क्योंकि मेरी बेटी को पसंद है आलू के भजिए, बेटे को टमाटर के भजिए, और मेरे हस्बैंड के लिए प्याज के भजिए। तो चलो बनाते हैं। ये है सब इंग्रेडिएंट्स। बेसन ले लिया एक कटोरी, उसका अच्छे से ये सब जो लम्स होते हैं ना वो निकाल देने के ड्राई में। उसमें डालूंगी थोड़ा सा हींग, नमक, हल्दी, थोड़ी सी मैंने जीरा और अजवाइन, और ऊपर से डाल दी मिर्ची ऐसी जो मैं निकाल सकूं। और ये रहे टमाटर के भजिए। पहले मैं टमाटर के भजिए के साथ ही आलू के भजिए भी निकाल लूंगी, और लास्ट में प्याज के भजिए बनाऊंगी। ये बन गए देखो, टमाटर के भजिए, आलू के भी बन गए हैं, बटाटा भजिया। मेरी बाजू वाली गैस बंद थी इसलिए मैंने यहाँ पे रखा, नहीं तो मैं नहीं रखती हूँ। अब ये बन रहे प्याज के भजिए। इसमें मैं थोड़ा सा धनिया डालती हूँ, मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, तो थोड़ी धनिया पत्ती कट करके डाल दूंगी। और इसमें ही हम डालेंगे प्याज। मेरे पास जो बैटर था बेसन का बचा हुआ, उसमें ही मैंने ऊपर से ये चीज़ें डाल दी। और बस हम अब भजिए ये भी निकाल लेंगे। हस्बैंड भी खुश और बच्चे भी खुश और हम भी खुश, हम भी खा ही लेते उनके साथ साथ। कॉर्नफ्लावर, हाँ कॉर्नफ्लावर और चावल का आटा डाल के, तो इससे क्या ना बहुत अच्छे से क्रंची बन जाता है, बहुत अच्छा फ्लेवर भी आता है, एंड क्रंचीनेस एक्चुअली बहुत अच्छा आता है। अगर आपको पसंद हो तो आप डालना, मैं भूल गई थी डालना तो सोचा आपको बता दूं। ये बन गए हमारे प्याज के भी भजिए। चलो आप भी आ जाओ खाने के लिए। मैं पहले इसमें ना बेकिंग सोडा डालती थी, लेकिन उससे बहुत ही ऑयली ऑयली रहते थे, बहुत ऑयल रहता था, तो फिर मैं इसमें कॉर्नफ्लावर डालने लगी, तो मुझे बहुत ही अच्छे से ऐसे क्रंचीनेस और बहुत ही टेस्टी वाले भजिए बने। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना।